हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइजिंग एंड जाना था कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उन सभी मेथड्स या अप्रोचेस के बारे में जो कि ट्रांसफर प्राइजिंग के लिए यूज की जाती हैं। ओके, सो देर विल बी फोर इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, और वीडियो के एंड तक आपको सारी अप्रोचेज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बेस्ट के साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं मेथड्स या अप्रोचेज से रिलेटेड विद डायग्राम्स आई हैव इंक्लूडेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स, वी हैव टू वर्क फॉर दैट। पार्ट वन मैंने जो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक या तो आप यू नो ऊपर आई का बटन होगा वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको पार्ट वन मिल जाएगा। तो उसको जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आपको एटलीस्ट पता चल सके कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, और उसके बाद हम यहाँ पर मेथड्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस को भी जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स पा सकें। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी जो मेथड्स या फिर अप्रोचेस होती हैं ट्रांसफर प्राइसिंग को अप्लाई करने की, तो देर आर फोर इंपॉर्टेंट अप्रोचेस दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच है ट्रांसफर एट कॉस्ट मेथड। सेकेंड हमारी जो अप्रोच रहेगी या मेथड रहेगा दैट इज ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस मेथड। थर्ड अप्रोच और मेथड दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इट इज ट्रांसफर एट मार्केट बेस्ड प्राइस मेथड। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट अप्रोच दैट वी विल डिस्कस इट विल बी ट्रांसफर एट आर्म्स लेंथ प्राइस मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे चारों ही मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और आपको चारों के बारे में ही अच्छे से पता होना चाहिए। एंड एक बार फटाफट नाम याद कर लीजिए इन सभी मेथड्स के। तो देर आर फोर मेथड्स और अप्रोचेस फॉर अप्लाइंग ट्रांसफर प्राइसिंग इन एनी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट मेथड वुड बी ट्रांसफर एट कॉस्ट मेथड, सेकंड वुड बी ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस मेथड, थर्ड वुड बी ट्रांसफर एट मार्केट बेस्ड प्राइस मेथड, एंड द फोर्थ वन विल बी ट्रांसफर एट आर्म्स लेंथ प्राइस मेथड। ओके, आई एम श्योर कि नाम याद हो चुके होंगे आपको। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर एट कॉस्ट मेथड। एंड यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड के, एंड इसके बाद हम एक डायग्राम के थ्रू और इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड में हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सेकेंड स्लाइड जो इसके बाद होगी उसमें हम एक डायग्राम लेंगे और उसके थ्रू इस कॉस्ट मेथड को अच्छे से समझ लेंगे। तो ट्रांसफर प्राइस एज एट कॉस्ट मेथड क्या है ये, लेट्स अंडरस्टैंड। Now, in this method of transfer pricing, the pricing of goods and services exchanged between different units of the multinational company is done on cost incurred basis, that is the actual cost that the subsidiary spent to produce the goods or provide that specific service. तो जो हमारा transfer at cost method है, उसमें जो भी goods या service exchange की जाती हैं between the subsidiaries or the parent company, ओके, तो वो की जाती है कॉस्ट बेसिस पर, यानी कि जितनी कॉस्ट इनकर की जाएगी आपके उस गुड्स को या उस सर्विस को प्रोवाइड करने में, उतना ही आप चार्ज करोगे उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस के लिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड है, कॉस्ट मेथड वाला। उसमें आप जितनी कॉस्ट एक्चुअल है आपके गुड्स की या फिर आपके सर्विस की, वही आप चार्ज करेंगे, उससे एक पैसा ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल मेथड जो कि मल्टीनेशनल कंपनी यूज करती हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, लेट्स टॉक अबाउट। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट लोअर कॉस्ट लीड टू बेटर परफॉर्मेंस बाय द सब्सिडियरी और एफिलिएट एंड ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द टैक्सेस एट द रिसीविंग एंड टू द मिनिमम। तो ये अप्रोच तब फॉलो की जाती है जब आप एक बड़े लेवल पर सोच के चल रहे हैं, और जितना कम आप कॉस्ट लगाएंगे अपने गुड्स या सर्विसेज का, उतना ही हो सकता है कि जो आपकी सब्सिडियरी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रही है
उसको कम टैक्स दे पे करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने जो टैक्सेस हैं, अपने जो सब्सिडरी जिसको आप गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कम से कम रखने के लिए, और जो सब्सिडियरी है उसका प्रॉफिट बढ़ सके। और प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे पहला तरीका होता है अपनी कॉस्ट को जितना हो सके कम से कम रखें आप। ओके, तो जितनी कॉस्ट कम रहेगी उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड में होता क्या है कि एक ही मल्टीनेशनल कंपनी की जो अलग अलग सब्सिडियरीज होती हैं वो क्या कर रही हैं, आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जब आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, और मान लीजिए कोई एक ऐसी यूनिट है जो कि कॉस्ट प्राइस पर ही आपके गुड्स या सर्विस को चार्ज कर रही है, और दूसरी सब्सिडियरी उस कॉस्ट प्राइस पर उसको परचेज करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है मल्टीनेशनल कंपनी का वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये आपकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उसको फोकस में रखते हुए फॉलो की जाती है, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। और फॉलो करने के पीछे पर्पस क्या है कि जिस भी आप सब्सिडियरी को प्रोवाइड कर रहे हो गुड्स या सर्विस, वहां पर टैक्स रेट काफी ज्यादा है, और उस टैक्स रेट को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो अपना प्रोडक्ट है या गुड्स है या फिर जो सर्विस है उसको कॉस्ट प्राइस पर ही प्रोवाइड करा रहे हैं अपने दूसरे सब्सिडियरी को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट से इज द कंपनीज यूजिंग दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग डू नॉट एक्सपेक्ट प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर सेल, रेदर दे ट्राई टू जनरेट प्रॉफिट बाय सबसिक्वेंट सेल। तो जैसा कि हमने पॉइंट डिस्कस किया, इस मेथड में जो कंपनी होती है उसका पर्पस क्या होता है, वो इंस्टेंट प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं करती, यानी कि जो गुड्स या सर्विस एक्सचेंज की जाती हैं और उसके बदले जो ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, उस डीलिंग में आपका कोई भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। जो आपका प्रोडक्ट सेल होने के बाद में आप जो प्रॉफिट अर्न करोगे, कंपनी का फोकस उस प्रॉफिट पर होता है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। ट्रांसफर एट कॉस्ट मेथड में क्या है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड किया जाएगा बिटवीन दी सब्सिडियरीज और मे बी द सब्सिडियरी और द पेरेंट कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी हमारी होगी, तो उसमें कॉस्ट पर किया जाएगा, यानी कि जितने का गुड्स बन रहा है उतने ही आप चार्ज करोगे उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नाउ बढ़ते हैं एक डायग्राम के थ्रू, अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो गाइस, डायग्राम में आपका, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो हमने ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिस्कस की थी, तो उसमें हमने अपनी कंपनी ली थी जिसका नाम था एबीसी लिमिटेड। और एबीसी लिमिटेड क्या है, हमारी पेरेंट कंपनी जो कि लोकेटेड है इंडिया में। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं हमारी दूसरी कंपनी जो कि है बी लिमिटेड यूएसए, और ये क्या है, बेसिकली सब्सिडियरी है एबीसी लिमिटेड की। ठीक है, बी में, एबीसी में आपका जो बी लिमिटेड है वो यूएसए की आपकी एक सब्सिडियरी है जो कि पेरेंट कंपनी एबीसी लिमिटेड इंडिया में लोकेटेड है उसकी है। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो पेरेंट कंपनी है इंडिया वाली वो एक गुड्स परचेज कर रही है और वो प्रोवाइड कर रही है बी लिमिटेड को जो कि यूएसए में लोकेटेड है, और जो कॉस्ट है गुड्स की भेजी गई या फिर आपकी सेल की जा रही बी लिमिटेड को, उसकी कॉस्ट है 63 करोड़। नाउ इन रिटर्न यूएसए की जो हमारी सब्सिडियरी है उसने आपका प्राइस दिया एबीसी लिमिटेड को, और कितना दिया, 63 करोड़। कॉस्ट कितनी थी हमारी जो गुड्स भेजी गई, 63 करोड़। प्राइस कितना उन्होंने रिसीव किया, 63 करोड़। ओके, तो ऐसे मेथड को हम कहेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग एट कॉस्ट मेथड। ओके, तो जहां पर आपकी जितनी कॉस्ट है गुड्स की आप उतना ही प्राइस रिसीव कर रहे हैं, उतना ही चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा मेथड हमारा है ट्रांसफर प्राइसिंग एट कॉस्ट मेथड। नाउ अभी बात करेंगे हमारे दूसरे मेथड की जो कि है ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस मेथड। तो यहाँ पर कॉस्ट भी है प्लस हम यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है उसको भी ऐड कर देंगे, तो हमारा जो सेकंड मेथड है वो क्रिएट हो जाएगा ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस मेथड। तो यहाँ पर प्लस में आपका मोस्टली क्या है, एक नॉमिनल मार्जिन ऐड कर लिया जाता है प्रॉफिट का। सो इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग द प्राइसिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज डन ऑन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट दैट द सब्सिडरी स्पेंट टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड दैट प्लस एन अप्रोप्रिएट मार्कअप। ओके, तो
तो इस मेथड में आपका क्या है, जो भी गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो की जाती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेसिस पर, यानी कि जो आपकी गुड्स या सर्विस की एक्चुअल कॉस्ट है उसमें आप अपना जो मार्कअप वैल्यू है, जो नॉमिनल मार्जिन है प्रॉफिट का, उसको ऐड करते हैं, एंड देन उसके बाद में आपका क्या होता है, प्राइस डिसाइड होता है ट्रांसफर का। नाउ दिस मेथड इज अप्लाइड इन रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल दैट प्रॉफिट मस्ट बी शोन फॉर एवरी प्रोडक्ट और सर्विस एट एवरी स्टेज ऑफ मूवमेंट थ्रू द कॉरपोरेट सिस्टम। तो इस मेथड में आपका एक कॉन्सेप्ट या फिर एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई भी आप अगर प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, ठीक है, और उसको ट्रांसफर करते हैं किसी को या सेल करते हैं, किसी भी तरह का उसका मूवमेंट होता है, तो उस पर आपका एक वैल्यू एडिशन जो होता है वो होना जरूरी है, और वैल्यू एडिशन अगर आपका होगा तो आपको प्रॉफिट अर्न करना भी जरूरी है। तो ये हमारा जो मेथड है या ये जो प्रिंसिपल है, इसको अप्लाई करते हुए ये मेथड फॉलो किया जाता है मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू, जिसमें आपका क्या है, कॉस्ट और एक नॉमिनल मार्जिन प्रॉफिट का ऐड करके फिर आपका एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशंस और बिटवीन दी सब्सिडरीज ऑफ दी मल्टीनेशनल कंपनी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, इट सेज दिस मेथड हाउएवर मे रिजल्ट इन प्राइसिंग दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू दी कंपटीशन और डिमांड कंडीशंस इन दी फॉरेन मार्केट। और जो हम ये प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो आपका बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट आप जितना लगता है आपको कि अप्रोप्रिएट है आप उतना ऐड करके उस प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करते हैं बिटवीन दी फर्म्स बिटवीन दी सब्सिडियरी। तो यहाँ पर जो हमारे प्राइसिंग होते हैं वो आपके जो कॉम्पिटिटर्स के प्राइस हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, या डिमांड की जो कंडीशंस होती है फॉरेन मार्केट में उससे डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि आप अपना जो प्रॉफिट ऐड करें और जो आपकी कॉस्ट लगी है उस प्रोडक्ट को बनाने में, उससे आपकी जो गुड्स है, फाइनल गुड्स है, उसके प्राइस ज्यादा हो जाए। हो सकता है कि जो गुड्स या सर्विसेज आप अपने सब्सिडियरी से परचेज कर रहे हो वो आपको मार्केट में और कम प्राइस पर मिल जाए, तो ऐसा भी होता है कभी कभी, बट ठीक है, दिस इज एन मेथड और सिस्टम विच इज फॉलोड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी जिनकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो इट्स ओके। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इस मेथड में क्या है, कॉस्ट के साथ में हम प्रॉफिट को भी ऐड कर देते हैं। अब चलिए डायग्राम के साथ इसको और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सेम हमारी पेरेंट कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो कि इंडिया में है, और सब्सिडियरी कंपनी है बी लिमिटेड जो कि यूएसए में है। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो उन्होंने भेजी है यूएसए को, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 63 करोड़। नाउ प्राइस कितना रिसीव किया उन्होंने, जो वो है 70 करोड़। तो 63 करोड़ क्या थी, एक्चुअल गुड्स की वैल्यू थी, और प्राइस जो रिसीव हुआ वो हुआ 70 करोड़। तो कितना आपका डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 7 करोड़ एक्स्ट्रा आए हैं जो कि बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन है। तो जब कॉस्ट और प्रॉफिट आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस डिसाइड हो जाएगा, एंड दिस इज द सेकेंड मेथड विच इज ट्रांसफर प्राइजिंग एट कॉस्ट प्लस मेथड। नाउ थर्ड मेथड की बात करेंगे जो कि है ट्रांसफर एट मार्केट बेस्ड प्राइस मेथड। तो जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो मार्केट रेट पर होता है। ओके, सो इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग द प्राइसिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस चार्ज्ड इन द फॉरेन मार्केट फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाएंगे बिटवीन द डिफरेंट सब्सिडियरीज ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, तो उन पर जो प्राइस है वो चार्ज किया जाएगा सेम तरीके से, या फिर सेम अमाउंट हम चार्ज करेंगे जो कि फॉरेन मार्केट में उस गुड्स या सर्विस के लिए किया जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट से द प्राइसेस कैलकुलेटेड इन दिस मेथड मे बी टू लो फॉर द सेलिंग सब्सिडियरी एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट मे नॉट इवन बी कवर्ड। दिस मेथड मे बी फ्रूटफुली यूज टू एंटर अ मार्केट विच मे बी टू स्मॉल टू सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी प्राइस डिसाइड किए जाएंगे इस मेथड के थ्रू, उससे हो सकता है कि आपको आपकी जो सब्सिडरी सेल करेगी दूसरी सब्सिडरी को जो कि परचेज करेगी यहाँ पर प्रोडक्ट, तो उसको लॉस हो, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में आपका जो फॉरेन मार्केट है जहाँ पर आपका सेल किया जाएगा गुड्स, उसमें वो गुड्स आपको मिल रही होगी 100 रुपीज केजी के हिसाब से। ठीक है, मान के चलते हैं कि हमारी जो फॉरेन मार्केट है उसमें आपकी जो ये गुड्स है वो है आपकी
₹100 पर केजी के हिसाब से, ठीक है, ₹100 पर केजी। और हमारी जो सब्सिडरी है जिससे हम परचेज कर रहे हैं, वहां पर ये आपकी मिनिमम जो प्राइस है आपका पड़ रहा है, कॉस्ट ही पड़ रही है आपकी लगभग ₹180 की, ठीक है, 180 पर केजी की। तो आप अगर वहां से परचेज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है वो इसको ट्रांसफर कर रही है आइटम को, ठीक है, ₹180 के पर केजी का आइटम वो ₹100 के हिसाब से क्या कर रही है, दूसरी सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रही है। तो इससे उस सब्सिडरी को कितना है, ₹80 का लॉस है, ठीक है। तो ऐसी भी मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। अब क्यों अप्लाई किया जा रहा है, एक कंपनी क्यों लॉस पेयर करने को तैयार होगी यहाँ पे, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये इसलिए किया जाता है, ऐसे जो एक्सचेंजेस हैं, ट्रांसफर्स हैं, वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जिस मार्केट में, जिस फॉरेन मार्केट में आपकी दूसरी सब्सिडरी लोकेटेड है, जो कि आपकी गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर रही है, ठीक है, वो मार्केट इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर सकती। यानी कि आपको मार्केट में चीज सस्ते दामों पर तो मिल जाएगी, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं कर सकती, उतना आपके पास वहां पर वो आइटम अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेथड हमारा बहुत ही सिंपल है, हम उतना ही प्राइस चार्ज कर रहे हैं जो कि मार्केट प्राइस होगा फॉरेन मार्केट में उस गुड्स या सर्विसेज का। और ऐसा मेथड जब फॉलो किया जाता है किसी भी कंपनी का, और तो वो आपका कहलाता है ट्रांसफर प्राइसिंग एट मार्केट प्राइस मेथड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मेथड अलाउज अ कंपनी टू एस्टेब्लिश इट्स नेम और फ्रेंचाइज इन दी न्यू मार्केट विदाउट अंडरटेकिंग प्रोडक्शन देयर। तो इस मेथड में आपका क्या किया जाता है, आपका कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करी जाती, जो भी आपकी गुड्स या सर्विसेज है वो ऑलरेडी किसी दूसरी सब्सिडियरी के थ्रू आपकी प्रोड्यूस करवा ली जाती है, उसके बाद उसको ट्रांसफर करा दिया जाता है मार्केट प्राइस पर, जो भी आपकी फॉरेन सब्सिडियरी होती है वहां पर। इससे आपका ब्रांड नेम क्रिएट होता है, आपकी फ्रेंचाइजी क्रिएट होती है नए मार्केट में, और आपको कोई भी प्रोडक्शन अंडरटेक नहीं करना पड़ता। तो ये एक बेनिफिट है, ठीक है, और मार्केट कैप्चर करने का बहुत अच्छा मेथड है। इनिशियली आपको लॉस जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग रन में आप उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो चलिए, डायग्राम स्क्रीन पर आ चुका है, एबीसी लिमिटेड पेरेंट कंपनी इंडिया, बी लिमिटेड हमारी यूएसए में है। तो यहाँ पर क्या है, अब जो यूएसए में मार्केट प्राइस है गुड्स का, जो कि एबीसी लिमिटेड ने भेजी है, वो है 65 करोड़, और उतना ही प्राइस क्या करा है आपका, बी लिमिटेड ने आपका पे कर दिया है एबीसी लिमिटेड को। अब ये यूएसए में जो मार्केट प्राइस है गुड्स का वो है 65 करोड़ का, और उतना ही प्राइस रिसीव हुआ। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में, उन ही सेम गुड्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा समवेयर अराउंड, अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले ले, मान लीजिए उसको पे करना पड़ा 60 करोड़, ठीक है, 60 करोड़। तो यहाँ पर क्या है, ये 60 करोड़ अगर पे किया जा रहा है, तो 60 करोड़ जो पे किया उसके बाद भी प्रॉफिट ही हो रहा है, और हो सकता है अगर वहां पे 60 की जगह 70 करोड़ का हुआ तो 5 करोड़ का लॉस है। तो लॉस और प्रॉफिट बना रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट द एंटायर पर्पज इज टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज एंड यू नो अवॉइड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ऑन टेकिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द फॉरेन मार्केट। सो ऐसा जो भी हमारा मेथड है जिसमें मार्केट प्राइस, जो फॉरेन आपकी सब्सिडियरी है जो कि परचेज कर रही है, उसी के मार्केट प्राइस पर जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, तो आपका कहलाता है ट्रांसफर प्राइसिंग एट मार्केट प्राइस मेथड। नाउ अब बात करेंगे हम अपने अगले मेथड की, जो कि है ट्रांसफर एट आर्म्स लेंथ प्राइस मेथड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इफ आई टॉक अबाउट। चलिए तो जानते हैं, इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस एग्रीड बिटवीन देम। तो इस मेथड में आपका बेसिकली क्या है, जो प्राइस डिसाइड किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, वो सब्सिडरीज कंपनी आपस में डिसाइड करती हैं, और जब वो एक प्राइस पर एग्रीड हो जाती हैं तो उस प्राइस पर वो एक्सचेंज किया जाता है। इट्स वेरी सिंपल, मान लीजिए एक सब्सिडियरी है जो कि कह रही है कि मैं इस गुड्स के आपको 1,000 दूंगी, तो दूसरी सब्सिडियरी कह रही है नो नो, मैं 1,000 पे तो लॉस होगा, चलिए इसका डिसाइड करके आपका आप मुझे 1,500 दीजिए। तो बाद में काफी आपका नेगोशिएशन होता है और एक प्राइस डिसाइड होता है जो कि है ₹1,200 का। तो
तो जब आपस में आप क्या करोगे, नेगोशिएट करोगे, डिस्कशन करोगे, और उसके बाद में आप क्या करोगे, एक प्राइस डिसाइड करोगे, तो ऐसा आपका जो मेथड है ट्रांसफर प्राइसिंग का वो कहलाएगा ट्रांसफर एट आर्म्स लेंथ प्राइस मेथड। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन इज टू एंश्योर दैट बोथ पार्टीज इन द डील आर एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी प्रेशर फ्रॉम दी अदर पार्टी। तो यहाँ पर ये मेथड काफी अच्छा है, इससे जितने भी कंफ्लिक्ट होते हैं सब्सिडरी कंपनीज के बीच में वो आपके अवॉइड हो जाते हैं। देखिए, भले ही सब्सिडरी कंपनी आपकी ओवरऑल मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट होती है, लेकिन सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं जो कि उनको मीट करने होते हैं, और जब एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है आपका पेरेंट कंपनी या हेडक्वार्टर का, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट होता है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। तो ऐसी सिचुएशन या फिर कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या करती हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ये आर्म्स लेंथ प्राइस मेथड फॉलो करती हैं, जहां पर जो भी सब्सिडियरीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी, ट्रांजैक्ट करेंगी, उनको पूरी फ्रीडम मिलती है। दे कैन डिस्कस विद ईच अदर एंड दे कैन डिसाइड वॉट वुड बी द बेस्ट प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे आर एक्सचेंजिंग बिटवीन देम। हाँ, एक्सचेंज करना जरूरी है, एक्सचेंज करें, और अगर एक्सचेंज कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन द सब्सिडियरी कंपनीज और द पेरेंट कंपनी, तो कैसा होना चाहिए, आपस पे डिस्कस करके उनके सेल्फ इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए बिना कोई एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है। जिस भी प्राइस पर दोनों पार्टीज आपकी क्या करेंगी, डील को डिसाइड करेंगी, और कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा उस सिचुएशन में, आपका ऐसा मेथड कहलाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग एट आर्म्स लेंथ मेथड। Now, next point says this method allows the companies to determine fair trade prices around the globe by ensuring companies to keep pricing standards within a common range. So, this method के through क्या होता है? एक fair trade practice follow की जा सकती है और एक pricing standard decide किया जा सकता है global level पर, ठीक है, जिसमें companies अपने price खुद discuss करके decide कर सकती हैं और सबका जो इंटरेस्ट है वो आपका सेफ रहेगा और कन्फ्लिक्ट राइज नहीं होंगे। तो आई एम श्योर कि ये मेथड के जो पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। अब डायग्राम के थ्रू उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, पेरेंट कंपनी इंडिया, बी लिमिटेड यूएसए, अब यहाँ पर दोनों ने आपस में डिसाइड किया, दोनों का शेक हैंड हो गया, देख लीजिए आर्म्स लेंथ मेथड इसको ही बोलेंगे, और इसमें प्राइस एग्रीड हुआ दोनों के बीच में एक्सचेंज का 53 करोड़। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होंगी वो आपकी 53 करोड़ में की जा रही हैं, दोनों ने आपस में शेक हैंड किया, और ये मेथड हमारा क्या है, आर्म्स लेंथ प्राइस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, तो आई एम श्योर कि ये मेथड भी आपको समझ में आ चुका होगा। I've tried my best to explain, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा and share कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड स्टे सेफ, परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम।